हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो गाइस? आई होप ठीक ही होंगे। तो मैं जा रही हूँ कल शेड में गाय के पास। तो टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। तो घर के मैंने थोड़े काम कर दिए हैं, थोड़े काम आके करूँगी। गाय को पानी वगैरह पिलाना है और फिर वापस घर को आना है। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ गाय के पास, देखिए। और आज है 15 नवंबर और आज है गुरुद्वारे में लंगर, क्योंकि गुरु नानक देव जी का बर्थडे है। और ओए, इनको देखिए, कल इनको बेंज लेकर आई थी, देखिए बेंज खा रही हैं दोनों। कितना नंदू, ये देखिए छांव है। वैसे तो अब ठंड होगी ना तो छांव रहेगी, पर गर्मियों में धूप ना जल्दी आ जाती है। काजलू, काजला, ले काजले, तेरा खाने कोई मांगती रहती है, उंगली खा जाएगी मेरी। तो घास खा रही है, बहुत सारा खलारा डाला है इन्होंने, देखिए ना। घास खराब करती हैं ये काजले। नंदू नंदू गंदू बच्चा है। तो आज है लंगर और गुरुद्वारे। तो गाइस, मैं गाय को अंदर बांध के आ गई थी और अब तैयार होके जा रहे हैं हम नीचे। मैंने बोला था लंगर है गुरुद्वारे में, तो चलिए चलते हैं लंगर खाने। मुझे तो जुखाम हो गया है और ठंड जो है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। सुबह शाम है लेकिन जुकाम बुखार हो गया है। तो चलिए चलते हैं। तो हम जा रहे हैं लंगर और चप्पल जो है वो मैं दूसरी पहन के आ गई थी जल्दी जल्दी। तो मैं और नमन जा रहे हैं और मम्मी जो है वो मासी जी के घर गए हैं, क्योंकि हमें शादी है मासी के बेटे की, सबसे छोटी वाली मासी के बेटे की है शादी, वो है 21 तारीख को। और मम्मी जी गए हैं उनके पास काम करवाने। तो हम बस जा ही रहे हैं और मौसम देखिए बादल बादल से है और मेरा तो बुरा हाल है जुकाम से। तो मैं शादी आपको दिखाऊंगी पूरी, खास जगह है शादी, तो फिर हर आपको रस्म दिखाऊंगी मैं। और ये है मंदिर, पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है, माता जी का मंदिर है। आ देखा कर आ गए और आधे आ जाओ। तो टाइम जो है वो 1:30 बज चुका है और भीड़ भी हो गई है काफ़ी। वो ठंड लग रही है, मुझे तो बुखार भी था ना, इस वजह से ठंड लग रही है। आधे खा चुके और आधे खाने वाले अंदर जाएंगे। तो देखिए, जब हम पठानकोट में रहते थे ना तो हम तो वहाँ पे जाते थे गुरुद्वारे लंगर में, मेला भी लगा हुआ होता है वहाँ पे। नूर और नमन छोटे छोटे थे। तो चलिए कुआ ना है मुन पापा। तो देखिए गाइस, बहुत भीड़। हाँ जी। तो गाइस, हम गुरुद्वारा में पहुंच चुके हैं और हमने अंदर जाकर माथा टेका और बाबा जी से आशीर्वाद लिया और प्रसाद लेकर जो है वो बाहर आ रहे थे। तो हमारे मेरे मायके के गांव वाले भी वहां पे आए थे, क्योंकि वो भी सरदार ही हैं। और फिर और लोग भी आ रहे थे माथा टेकने के लिए। ये यहाँ बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध गुरुद्वारा है और यहाँ पर हर साल जो है वो लंगर भी लगता है, और साल में 2 बार लंगर लगता है यहाँ पे। तो ये हमारे गांव के नज़दीक ही है, थोड़ी दूर में ही हैं। तो ये सामने जो है ये हमारे भाई हैं मायके में, नज़दीकी है मायका भी मेरा, मैंने आपको बताया है। तो टाइम 1:45 ही हो चुके थे और
लोग अभी भी आ रहे थे, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे ये गुरुद्वारा जो है ना, यहाँ पे नज़दीक ही है, सब यहाँ पे ही आते हैं। और दूसरा गुरुद्वारा जो है वो पालमपुर में है और एक जसीमपुर में है। तो यहाँ पे आसपास से लोग बड़े आते हैं। और खाना खाने अभी लोग बैठे थे तो हमने थोड़ी देर सोचा कि इंतज़ार कर लेते हैं। तन पे तो एक द्वारा बने हैं कि 555वां जो है जन्म दिहाड़ा लग रहा है। संत आ रही हैं, संत यहाँ पर काम कर रहे हैं, भेटा चढ़ा रही हैं, तो दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, देगा दे रही हैं। इस गुरुद्वारे के जो सेवक है वो तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, उस माल की दे रहा, श्री बाबा नानक जी बेल रहे हैं। उस वाहिगुरु की बड़ी कृपा है, महान कृपा है। संगत आ रही हैं, दिख लो लगी कतारा। ऐसे बिच ऐसा भगवान की कृपा हो कि यह गुरुद्वारा जोड़ा है उस मालिक की बड़ी दया है। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले